ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस। नमस्कार, मु डॉक्टर मोनाली पटनायक, चीफ कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट तत्व रे अछि। आज आम जानवा विंटर बा शीत ऋतु आसिले कि कौन कौन प्रकार चर्म समस्या बा स्किन प्रॉब्लम देखा जाए ओ तार जत्न किपरि नहीं पारे। तो आम देखीचु जे जिते शीतटा बढ़ी बढ़ी जाए आम स्किन धीरे धीरे ड्राए बा शुष्क हो चले, आउ जो मानक स्किन ऑलरेडी ड्राए अच्छी से मानक स्किन आहुरी बेसी बेसी ड्राए समस्याटा बढ़ी बढ़ी चले। कुंडेई हुए, इरिटेशन हुए, किसी सिंथेटिक बा वुलन क्लॉथ्स पिंधिले से जगह इजिली रैश पड़े आसे, जो जिनस आगुरु लगेले रिएक्शन करन थाए हठात शीत दिन में से ही क्रीम बा से ही जिनस लगेले से हठात से जगह फली जाए। तो यह समस्या कि देखा जाए शीत दिन में। आपर है आम आउ को प्रॉब्लम देखू शीत दिन में, गोटे है आम स्कैल्प रु स्टार्ट करवा मुंडरु स्कैल्प रो चुटीटा ड्राई ही जाए माने स्कैल्प बेसटा रूपी रूपी भाया जो डैंड्रफ से ही समस्याटा टिके बढ़े। बहुत पेशेंट आसते आमको शीत ऋतु स्कैल्प इचिंग प्रॉब्लम नहीं कि स्कैल्प रु बहुत हेयर लॉस बढ़ी जाए थाए, डैंड्रफ बढ़ी जाए थाए, इरिटेशन हो थाए, ए भाया समस्या नहीं कि आसी था। ता छोड़ा स्किन रे जमती मु कहली आपण को जनरल स्किन रे कहारो तल गोड़ माने आंठू रु पाद जाए तो कह बहुत ड्राई ही की कुंडे होता है, तो कहारो पूरा शरीर कुंडे होता है, कहारो मुहरे फली जाए थाए, नहले किछि नहले एटलीस्ट ड्राई तो बहुत ही जाए थाए। तापर कौन देखा जाए बहुत जन कर लिप्स क्रैक करे माने ओठ टिके टिके फाटे, एस्पेशली बहुत थर लोअर ओठटा बेसी फाटे। तापर आम देखु बहुत जनकर स्किन हाथ गोड़ ड्राए ही की क्रैक करी जाए, तेणु से मानक डेली काम कला बेले असुविधा हुए, पोड़ा जला करे, काटे, दरज हुए। तापर जो आंगुली टिप गुड़ाक आंगुली टिप गुड़ाक बेसी ड्राए ही की फाटे कि सेगुड़ा टिके टिके लाल पड़े, इरिटेशन हुए, ए भाया समस्या भी बहुत कॉमनली देखा जाए। आपण भी जानिथिबे आपणकर हुए तो किसी समस्या ए शीत ऋतु कि गला शीत ऋतु बाहरी थी, तेणु मु या परे एबे आपण कहिबाकु जाउची कौन कले आपण ए जिनसर एटलीस्ट किछि मात्रा रे घरे होम रेमेडीज करिकि ताकु केयर करि परिबे। प्रथम कथा हला जो स्किन रो ड्राइनेस बा ड्राई हेकि जो इचिंग हेकि कुंडे हेकि आपणकर इश्यूज देखा जाउची, गोटे जिनस समस्त घरे थाए सेटा होची नड़िया तेल। एटलिस्ट नड़िया तेलटा नहीं कि देहरे दिन को दुई रु तीन थर पूरा शरीर में आपण लगातु, सेटा आपण को मॉइश्चर लेवल को टिके इम्प्रूव करिबो। पानी सफिशिएंट पियंतु, आमे शीत दिन में जनरली पानी पीवाटा को भूली जाओ मनरे रुहे नहीं, किंतु पानी पी कि आपण हाइड्रेटेड रुहंतु। बहुत प्रकार जिनस मिलूची जोटा को आप नॉर्मल मॉइश्चराइजर भाभी पारे आम इमोलिएंट्स की ह्यूमेक्टेंट्स ना दो, सेटा आपण स्किन रे लगे कि स्किन रो एक्सटर्नल बैरियर को आप माने जो ड्राए ही जाएगी ताको आप प्रोटेक्ट करी पारे। हाथ पाद पाई कि अलग प्रकार क्रीम मिले, शरीर पाई कि अलग प्रकार मिले, सेटा आप निजो डॉक्टर को जाके पचारी दे पारे। सेटा लगेले आपण स्किन रो इरिटेशन बहुत मात्रा रे कमी जाई पारिबो। आउ मन रखंतु थरे लगेबार नाही, जदि आपण स्किन ड्राई अछि होय तो आपण 3-4 थर दरकार पड़े कि 2-3 थर दरकार पड़े पारे, एटा इंडिविजुअली रिलेटेड कहा को केते की दरकार। आउ जदि केशरे डैंड्रफ होउची बा बहुत केश झड़ूची ताले आपण टिके तेल लगेबा मात्राटा कम कर दियंतु। साधारणत आमे भाबू कि नड़िया तेल बेसी लगेबु बिकज बेसी झड़ूची, के ऑलिफ तेल बहुत प्रकार तेल भी ट्राए करके आसी थांदी, बट जदि आपण डैंड्रफ समस्या बा केश चुट्टी गुड़ाक बेसी कुंडे होउची ताले आपण सेटा तेलटा एनी काइंड ऑफ ऑयल अवॉइड करिकी आपण को डॉक्टर को टिके देखा करि लेबे। से समय रे पानी काम जेतेबेले करूछंती आपण किचन बा वॉशरूम बाथरूम किछि धुआ धुआ मोजा बाहरे किछि भी करूछंती ताहाले पानीटा बहुत थर आपण को जो पानी आ सर्फ सेटा बाजी की हाथ गोड़ फटे दे थाए, तेणु आपण कौन करिवे आइदर किछि हैंड ग्लव्स यूज करंतु नहले पादरे हाथरे किछि पॉलीथिन काइंड ऑफ जिंस पिंधि देकी बांधि देकी काम करंतु। यदि किछि मिलुनी हाथरे गोटे लेयर वेसलिन नहले नड़िया तेल लगांतु, जमिति कि पानीटा आ सर्फटा कि जो वॉशिंग पाउडरटा सेटा इजिली आपण हाथ भितर को खाई न दो। मु भाबुची आजिर ए कथा सुनिकी आपण निश्चित भाबरे किछि माइंड रे फ्रेम करिथिबे ए शीत ऋतु रे केमती ए जिंसटा को डील करिवे। जो माने बहुत शीत एरिया रे रहउछन जेमती हिली एरिया रे रहउछन आपण प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग भी यूज करि परिबे लाइक ग्लव्स सॉक्स
ଗୋଟେ ଲେୟର୍ରୁ ନେଇକି ଡବଲ ଲେୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ, କାରଣ ସେଇ ଏରିଆରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାୟ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେତିକିରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଏତିକିରେ ମାନୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ସ୍କିନ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। The Ashwini Group of Hospitals are renowned for specialization in neurology, orthopedics, plastic surgery, respiratory medicine, emergency medicine and nephrology. The Ashwini Group of Hospitals' commitment to superior healthcare and well-being of the community has made them a cornerstone of medical excellence.